दोस्तों आज की कहानी है क्या हुआ भाभी रो क्यों रही हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या हुआ भाभी आप अभी तक रो रही हैं? हम लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, प्लीज चुप हो जाइए नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। संजू ने अपनी प्यारी सी भाभी को रोते हुए देखकर कहा, देखिए अगर आपका रोना बंद नहीं हुआ तो मैं अभी भैया को बुला लाऊंगी। संजना ने जब देखा भाभी अभी भी रोए जा रही हैं तो उसने अपने भाई का नाम ले लिया और भाभी का रोना भी कम हो गया। बताइए ना क्या हो गया, घर की याद आ रही थी ना। संजना के सवाल पर रश्मि की आंखें फिर गीली होने लगी थी। उसे अपना प्यारा भाई याद आ गया, हमेशा लड़ने वाला, हमेशा ये कहने वाला कि जल्दी से तेरी शादी हो जाए फिर मुझे सुकून होगा। आज विदाई के वक्त कैसे आंसू छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। रश्मि और राजा दोनों में 2 साल का ही फर्क था। दोनों हमेशा आपस में लड़ते थे मगर जब भी रश्मि की लड़ाई किसी बाहरी बच्चे से हो जाती और रश्मि रोने लगती तो फिर राजा बर्दाश्त नहीं कर पाता था और उसको जाकर पीट आता। उसके घर वाले शिकायत लेकर आते तो रश्मि अपने भाई को बसाने के लिए उसके साथ घर के एक कोने में छुप जाती। मम्मी पापा के सामने हर वक्त लड़ाई करने वाले राजा और रश्मि उनके कहीं जाने के बाद इस तरह प्यार से रहते कि मम्मी हंसते हुए कहती, ये दोनों हमें दिखाने के लिए लड़ते हैं, अकेले में देखो कैसे रहते हैं। राजा छोटा होने के साथ मम्मी का लाडला भी था जिससे रश्मि कभी कभी सिड़ जाती और अपने हिच्चे के चॉकलेट के साथ राजा का भी चॉकलेट खा जाती। जब राजा मम्मी से शिकायत लगाता और रश्मि मासूम सी सूरत बनाकर कहती, मम्मा जी आप हमेशा राजा की बात मानती हैं, उससे ज्यादा प्यार करती हैं, अगर मैं कहूँगी कि मैंने नहीं खाई तो आप मानेगी तो है नहीं, फिर क्या फायदा कुछ कहने का। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए नौटंकी, मम्मी प्यार से बोली थी। दोनों के अपने दोस्त थे मगर फिर भी ये अपनी सारी बातें एक दूसरे से करते। यहाँ तक जब राजा को पहली बार सोनिया पसंद आई उसने किसी से न बताकर रश्मि को ही बताया। वो अलग बात है कि रश्मि ने ही उनकी दोस्ती खत्म करने में अहम रोल निभाया था क्योंकि सोनिया रश्मि को बिल्कुल भी पसंद नहीं ही। इसके लिए दोनों की लड़ाई भी हो गई थी। दोनों में लड़ाई होती तो बातचीत भी बंद हो जाती, फिर तो मम्मी पापा की सामत ही आ जाती। पापा रश्मि की बात राजा तक पहुंचाते और मम्मी रश्मि तक राजा की बात। दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीत रहे थे जब रश्मि के लिए रिश्ते आने लगे। राजा ने सुना तो पहले कुछ देर तो कुछ नहीं कहा मगर फिर हंसने लगा, मम्मा इससे जो शादी करेगा अपना सर पकड़कर रोएगा, अपनी किस्मत को कोसेगा, जो सकता है शादी के दूसरे ही दिन संन्यास लेकर सन्यासी बन जाए। मैं ही दुनिया का इकलौता इंसान हूँ जो तुम्हें इतने सालों तक बिना लड़े झगड़े झेल गया हूँ, नहीं तो उसने
बात अधूरी छोड़ दी थी, जानता था अब विस्फोट होने वाला है और उसे मार पड़ने वाली है। मगर रश्मि खामोशी से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रश्मि रश्मि, वो आवाज लगाते पीछे पीछे आ गया था। रश्मि खिड़की से बाहर देख रही थी, एकदम खामोश। सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा। राजा ने कान पकड़कर कहा तो वो रोने लगी, मैं तुम सबके बिना कैसे रहूंगी। राजा खामोशी से बैठा था, कुछ भी नहीं बोला। पता नहीं उसके पास जवाब नहीं था या वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अच्छा है, जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए, फिर मेरा भी नंबर लगेगा, नहीं तो कब से मेरी खुशियों के बीच बैठी हो। कितना ऊपर वाले से बोला मैंने, फिर तो ये दिन आया है और तुम बेवजह आंसू बहा रही हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। जब रश्मि के आंसू बंद नहीं हुए तो राजा ने उसे गुस्सा दिलाया और वो कामयाब भी हुआ, क्योंकि वो तकिया उठाकर उसे मारने लगी थी। शादी का दिन आ गया, सारी तैयारियों में वो आगे आगे था, मगर एक बार भी रश्मि के कमरे में नहीं आया। रश्मि ने बुलवाया भी, मगर फिर भी वो नहीं आया, पता नहीं कहाँ था। रश्मि शुरू हो गई, तब आया। रश्मि ने देखा उसकी आंखें लाल हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ। रश्मि ने सोचा, मगर जब विदाई का वक्त हुआ और वो अपनी बहन, अपनी सबसे प्यारी दोस्त, अपनी राजदार को विदा होते हुए नहीं देख पाया और पहली बार उसके गले लगकर रोने लगा था। उसे रोता देखकर वहां मौजूद हर इंसान रोने लगा था। जब मम्मी ने राजा का हाथ पकड़ा तो कितनी देर तक उनके कंधे से लगा खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। माँ, मेरा भाई दुनिया का सबसे बेस्ट भाई है, मेरे भाई की जगह कोई नहीं ले सकता, आप इसका ख्याल रखिएगा। वो फोन पर मम्मी से बोल रही थी और रोए जा रही थी। मम्मी ने राजा की तरफ देखा, जो रश्मि ने विदाई के बाद पापा के साथ बैठा खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। भाई बहनों की जान होते हैं, ऊपर वाला सबके भाइयों को हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, आमीन। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त तो होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।